हरि ओम। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन सत प्रेरणा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री योग वेदांत सेवा समिति बालोद के प्रयास से संत श्री आशाराम जी आश्रम सुनई डोंगरी में 3 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने जीवनोपयोगी बहुत सारी क्रियाएं सीखी। आइए देखें इस शिविर की कुछ झलकियाँ कि बच्चों ने क्या क्या सीखा। शिविर में बच्चों के विकास के आधार पर क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, तत्पश्चात धूप के पवित्र वातावरण में प्राणायाम कराया जाता है। भारतीय संस्कृति में 3 संध्याएं होती हैं, प्रातः, दोपहर और शाम की संध्या। आइए देखते हैं कि बच्चे प्रातः की संध्या में कैसे पूर्ण उत्साह से भाग ले रहे हैं। अब आती है बारी योगासन की। योगासन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं और मुद्राओं के माध्यम से तन को स्वस्थ, मन को प्रसन्न एवं सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने हेतु हमारे पूज्य ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई एक दिव्य प्रणाली है। बच्चों ने शिविर में बहुत सारे योगासन सीखे, जैसे पाद-पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, नौकासन इत्यादि। इसमें सबसे लाभकारी है सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 प्रकार की योगासनों का अद्भुत समन्वय है। सूर्य बुद्धि शक्ति के स्वामी है, अतः सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से बुद्धि तीव्र बनती है। भगवान सूर्य को नियमित अर्घ्य देने से आज्ञा चक्र का विकास होता है, शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। आइए देखें कि विद्यार्थियों ने शिविर में सूर्य गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य देना भी सीखा। बच्चों की शारीरिक पुष्टि व मानसिक विकास के लिए बच्चों को शिविर में खजूर और बादाम भी दिया गया। शिविर में बच्चों को आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में बने सात्विक भोजन खिलाया जाता है। शिविर में विद्यार्थियों के शारीरिक स्फूर्ति के लिए कबड्डी, कुर्सी दौड़, रुमाल छू तथा बौद्धिक विकास के लिए लीडरशिप तथा मटकी फोड़ जैसे खेल भी खिलाए जाते हैं, जिसमें बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। संस्कार के हम प्यासे प्रभु के प्यार के हम बच्चे बाल संस्कार के। ओम आत्मिक बल देता है। ओमकार के उच्चारण से जीवन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसके 7 बार के उच्चारण से शरीर से रोगों के कीटाणु दूर होने लगते हैं तथा चित्त से हताशा निराशा भी दूर होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने सभी मंत्रों के आगे ओम जोड़ा है। शिविर में बच्चों को ओमकार का गुंजन, ओमकार का कीर्तन भी कराया जाता है। हो गया हूं, मैं जिस का हो गया।
शिविर में शाम की संध्या के बाद विद्यार्थियों को स्फूर्ति दिलाने के लिए भगवान नाम की धुन में पूर्ण आनंद के साथ नृत्य भी करवाया जाता है। माना के इस जहां में हंसी है बहुत मगर, माना के इस जहां में हंसी है बहुत मगर, मेरी नजर मत ज्योत जले मेरे बापू के दरबार, ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ, ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ, और भक्तों और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, जगमग जगमग